So the next important point is UN Liner Code. So UN Convention on the Code of Conduct for Liner Shipping Conference topic देखा आप घबराएगा मत. Question आता है, you have to define the UN Liner Code, UN Convention on the Code of Conduct. ये meaning जानना ज़रूरी है. UN Convention किस लिए, Code of Conduct for whom, Liner Shipping Conferences यानी कि Liner Shipping Conference के लिए Code of Conduct यानी कि Rules and Regulation होना चाहिए, किसके अनुसार, UN Convention. अब आपको सिंप्लिसिटी लगा, यूएन कन्वेंशन क्या, यूएन कन्वेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन. सो रूल्स एंड रेगुलेशन का दूसरा नाम क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट. फॉर होम, फॉर द लाइनर शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस. सो एडॉप्शन ऑफ द कोड ऑफ, द एडॉप्शन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, यूएन कन्वेंशन ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लाइनर शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस एज पॉपुलरली नोन एज यूएन लाइनर कोड इन 1974. यह 1974 में आया था, लेकिन क्या हुआ, इट डिड गिव सम होप टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंडिया द शिप प्रॉब्लम्स एंड द रिगार्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द लाइनर रिंग्स एंड द मेनी फ्रीक्वेंसीज विद द अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द लिविंग कोस्ट फुड बी रिसर्व द गुड प्रोविजंस फॉर द फॉलो. यानी कि 1974 में ये रूल आया था, यानी कि यूएन लाइनर कोड और यूएन कन्वेंशन ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द लाइनर शिपिंग कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट आया था. लेकिन इट प्रैक्टिकली केम इन टू वर्ड, व्हेन डिड इट प्रैक्टिकली केम इन टू बीइंग, इन 1983. दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड इट प्रैक्टिकली केम इन टू बीइंग, 1983. और अब आपको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट जो याद करना है, यूएन लाइनर कोड इसलिए एस्टैब्लिश किया था 1974 में, जब ये डेवलप्ड नेशन में अप्लाई हुआ था, तब आपको, तब ये डेवलपिंग कंट्रीज है ना, हमारी इंडिया हमारी सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें लगा कि हाँ शायद ये शिपर्स प्रॉब्लम की बहुत इशू को सॉर्ट आउट कर सकता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको इमिटेट किया. सो द कोड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि आप सबको पता है सभी कोड क्यों एस्टेब्लिश किया, बिकॉज इट हैज सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस. यानी कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस यानी कि शिपिंग मेंबर्स की इश्यूज को सॉर्ट आउट करना, ओके. इट शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी कि हाँ अगर कोई आदमी पैसा ज़्यादा देता है तो उसके बाद में जाकर उसको फेवर में करें, नहीं. इट शुड बी पॉजिटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द शिपिंग कॉन्फ्रेंसेस. नेक्स्ट वन इज 40:40:20. आई रिपीट, 40:40:20 प्रिंसिपल इन द कैरेज ऑफ ओवरसीज ट्रेड. अगर आप कैरेज ऑफ, यानी कि आप एक गुड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन द कैरेज ऑफ ओवरसीज ट्रेड यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर नंबर, दैट इज 40:40:20. मे बी इट माइट बी द हाइट वेट एंड द विड्थ, मे बी, आई डोंट हैव आइडिया ऑन दैट. सो जस्ट एज इट इज आउटसाइड कॉम्पिटिशन, यानी कि आप कभी भी, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइनर शिपिंग कॉन्फ्रेंस में एक रेट अप्लाई किया, यानी कि 1 लाख या 2 लाख हो, एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते हाँ उसने 1 लाख लगा रखा है तो मैं क्या करूँगी उसके, आई विल कीप इट अप 50,000 rupees. नो, इट इज़ आउटसाइड कॉम्पिटिशन, इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन डील. लाइक इफ समवन इज कीपिंग हाई रेट, लेट देम कीप, और बट यू हैव टू गो विद द यूएन लाइनर कोड रेट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज ए मेजोरिटी सेफ फॉर द शिपिंग लाइन्स ऑन द ट्रेडिंग इन कॉन्फ्रेंस डिसीजन. इसका मतलब यह है कि अगर शिपिंग लाइन्स में को शिपर्स कुछ कहते हैं, यानी कि उनकी से होती है ना, अगर उसमें मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या कहते हैं, वही डिसीजन हम लेना चाहिए कब, जब ये कॉन्फ्रेंस बनाते हैं. तो डिड यू अंडरस्टैंड वॉट आर द मेजोरिटी पीपल सेइंग, यू हैव टू गो विद दैट, बिकॉज मेजोरिटी पीपल अगर सेम कह रहे थे, उनकी फैसिलिटी है. हमने यूएन लाइनर कोड किस लिए बनाया था, फैसिलिटी के लिए. किसकी फैसिलिटीज के लिए, शिपर्स की फैसिलिटीज के लिए. स्टेबिलिटी ऑफ फ्राइट रेट फॉर 15 मंथ्स, यानी कि अगर आप एक रेट लगाते हैं, यानी कि 1 लाख या 2 लाख, यू कैन नॉट चेंज इट फॉर हाउ मच डे मंथ्स. फॉर 15 मंथ्स यू आर नॉट अलाउड, दे शुड बी स्टेबल. और 150 डेज नोट ऑफ नोटिस बाई फॉर एनी जनरल रेट इंक्रीज. अगर आपको लगता है नहीं ये कम पैसा है, अगर आपको इसके रेट इंक्रीज करनी चाहिए, तो आप क्या करना चाहिए, 150 डेज नोटिस बिफोर देना चाहिए फॉर जनरल रेट इंक्रीज. कंसल्टेशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट दैट आर जस्टिफाइंग रेट इंक्रीज. अगर आप रेट इंक्रीज करते हैं, 150 डेज का नोटिस देकर अगर आप रेट डिस्कस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कंसल्टेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट डाटा, यानी कि वो कब कैसे ऐसे क्यों अमाउंट लाए, उसको आप कंसल्टेशन करके कॉस्ट डाटा के अनुसार जस्टिफाई भी करना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि आप जाओ बोलो 1 लाख 2 लाख, नो, यू हैव टू मेक अ कंसल्टेशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट डाटा. और प्रमोशनल फ्राइट रेट फॉर द नॉन ट्रेडिशनल आइटम. प्रमोशनल फ्राइट रेट फॉर द नॉन ट्रेडिशनल आइटम का मतलब ये है कि नॉन ट्रेडिशनल आइटम मतलब
पेट्रोल डीजल ऐसे क्रूड आइटम्स है ना वो, लेकिन वहाँ प्रमोशन ऑफ फ्राइट रेट होगा, यानी कि वो हमेशा लो रेट में रखते हैं, क्यों, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग, सो दैट्स व्हाई. सो प्रमोशन ऑफ फ्राइट रेट फॉर द नॉन ट्रेडिशनल आइटम. रीओरिएंटेशन ऑफ द लॉयल्टी एग्रीमेंट, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था कहाँ, AISC में अगर एग्रीमेंट डालते हैं तो उसको नेगोशिएट करना चाहिए. आप अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा. रीओरिएंटेशन ऑफ द लॉयल्टी एग्रीमेंट, मैंडेटरी कंसल्टेशन टू इट शुड बी अ मैंडेटरी, यानी कि एक दो शिपर के माध्यम में कुछ तरह की प्रॉब्लम या फाइट होते हैं, इट इज़ मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब टॉप मोस्ट कंपल्सरी, इसको विथ कंपल्शन उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए. मैंडेटरी कंसाइलेशन टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स. रिव्यू कॉन्फ्रेंस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी कि आप सबको आफ्टर एवरी 5 ईयर्स ये कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है उसको रिव्यू करने के लिए. सो नेक्स्ट आया आता है, द कन्वेंशन केम इन टू बींग इन अक्टूबर 1983. ओके, लेकिन जब ये थोड़ी देर बाद हुआ था, जब हमने पता चला क्या कंसल्टेशन मैकेनिज्म हैज़ नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली, तो उसमें कुछ भी प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा था. तो फाइनली उन्होंने अंडरस्टैंड किया, क्या एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द एक्टिंग गवर्नमेंट सपोर्ट बॉडीज विद यू स्टेशनरी अथॉरिटी नेगोशिएट विद गवर्नमेंट अथॉरिटी मॉनिटर एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द एसेंशियल. यानी कि मोस्टली क्या हुआ, मतलब ये लोअर लाइनर कोड को उन्होंने बनाया, एग्रीमेंट सेटल किया, उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. एन एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट शुड बी दे, यानी कि वो एक्टिव होनी चाहिए, उनके डेली बेसिस पर उनकी चेकिंग होनी चाहिए, तभी ये एक्टिव होगा. जब हम एक और बार ये देखते हैं, जैसे कि पॉजिटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट एट रेगुलेटिंग शिपिंग कॉन्फ्रेंस, फिर आया था प्रिंसिपल, कैसा प्रिंसिपल 40:40:20 फॉर द कैरेज ऑफ ओवरसीज राइट आउटसाइड कॉम्पिटिशन, बार रेट नहीं लगा सकते हैं, मेजोरिटी से फॉर द शिपिंग शुड बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द कॉन्फ्रेंस, देन लेटर स्टेबिलिटी ऑफ द राइट स्टेबिलिटी ऑफ द फ्राइट रेट फॉर 50 मंथ्स के लिए नहीं चेंज करते, 150 डेज प्रायर नोटिस इफ एनी चेंजेस हैज़ टू बी मेड, कंसल्टेशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट डाटा हैज़ टू बी डन ऑन द रेट ऑफ इंक्रीज, प्रमोशनल जस्टिफिकेशन करना चाहिए, और नॉन ट्रेडिशनल आइटम के लिए प्रमोशनल फ्राइट रेट्स होगा. और उसके बाद हम डिस्कस किया था प्रमोशन ऑफ फ्राइट रेट और रीओरिएंटेशन ऑफ द लॉयल्टी एग्रीमेंट होनी चाहिए. अगर कुछ एग्रीमेंट के बावजूद भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फाइट होती है, उसको सॉल्व करनी चाहिए, और आफ्टर एवरी 5 ईयर इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द रिव्यू. थैंक यू.